अहंकार, अहंकार भी एक दोष है। और अहंकार से क्या वासना आता है कौन बताएगा? बहुत कुछ है, एक पॉइंट में बताऊंगा। अहंकार का स्पेशल वासना क्या है? मान सम्मान की इच्छा करना। और सब लोग मान सम्मान चाहते हैं। गरीब लोग भूखे हैं रोटी के, और धनवान सक्सेसफुल लोग भूखे हैं मान सम्मान के लिए। पेट में पेन होता है रोटी के लिए, और मन में पेन होता है मान सम्मान के लिए। जिसके पास रोटी नहीं है वो भीख मांगते हैं, रोटी दे दो, रोटी दे दो। गरीब लोग रोटी के लिए भीख मांगते हैं, और धनवान सक्सेसफुल पावरफुल पर्सनैलिटी मान सम्मान के लिए भीख मांगते हैं। दोनों भिखारी, एक मन का भिखारी और एक पेट का भिखारी। पेट का भिखारी संसार में बहुत कम है, लेकिन लगभग हर व्यक्ति मन का भिखारी है, मान सम्मान का भिखारी। और भीख मंगा कभी खुश नहीं हो सकता है, भीख मंगा कभी खुश नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब लोग क्या है? भीख मंगे हैं, मान सम्मान की भीख क्या करते हैं। और भिक्षा किसको मांगते हैं? ये भिखारी तो अच्छा है यार, धनवान व्यक्ति के पास जाके बोलता है थोड़ा कुछ दे दो। लेकिन मान सम्मान के भिखारी क्या करते? दूसरे भिखारी को मांगते हैं, थोड़ा मुझे दे। दुर्भाग्य ये हमारा। इसीलिए ये मान सम्मान की इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा को, मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानिना, कभी मान की इच्छा नहीं करना, मान देने की इच्छा करना, भीख देने की इच्छा करना चाहिए। भीख देना पुण्य कर्म है। तो दान का, धन का दान करते हो, आज से मान सम्मान का भी थोड़ा दान करो। लेकिन मान सम्मान हम दे नहीं पाते क्योंकि हम भी भीख मांगे हमारे पास है ही नहीं। इसलिए भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, ये भगवान आप मान सम्मान का जो धन है किसे देते हैं थोड़ा हमें दीजिए। और जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वो मान सम्मान दूसरे को दे सकते हैं। एग्जैक्टली भगवान ही सबको मान सम्मान देते हैं। लोग सोचते हैं कि मान सम्मान हमें दुनिया में कोई नहीं दे रहा है, देगा नहीं, किसके पास है ही नहीं, सब लोग भिखा नहीं है, देंगे नहीं सब। लेकिन भगवान आपको मान सम्मान दे, कैसे? भगवान ये मनुष्य शरीर दे के आपको सम्मानित करते। ये मनुष्य शरीर से बढ़कर मान सम्मान संसार में कुछ नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर देकर भगवान ने आपको सर्टिफाइड कर दिए कि यू आर ए पर्सनैलिटी विद डिग्निटी, डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है मनुष्य शरीर दे के, और साथ में भी रहते हैं। इससे बड़ा मान सम्मान है क्या? संसार में कोई मान सम्मान देता नहीं है, लेकिन भगवान शरीर में दिए और शरीर के साथ भी रहे। इसलिए भगवान ही मान सम्मान देते हैं। हम जैसे थर्ड क्लास लोग को भी इतना मान सम्मान भगवान दे रहे। मनुष्य शरीर दिया, उसके साथ 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 में रहा परमात्मा के रूप में, फिर भी हम भीख मंगा जैसे मांगते रहते। मान सम्मान चाहिए, हार चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कि नहीं, ग्लोरिफिकेशन चाहिए। मान देना है लेकिन मांगना नहीं। जो मांगता है कौन है? भिखारी है। अब धन मांगो या मान सम्मान मांगो, हम कौन है? भिखारी। इसलिए भीख मंगा कभी सुखी नहीं हो सकता। ये एक दोष है, अहंकार दोष है। उसका तो वासना है मान सम्मान की इच्छा, और उसके कारण लोग क्या करते हैं? दुख में पीड़ित रहते हैं। और इसका स्पेशल एग्जाम्पल कौन है? कर्ण। जीवन भर उसको क्या चाहिए था? मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठित धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उस मान सम्मान के लिए भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया, मां को भी रिजेक्ट कर दिया। इसलिए कर्ण को कोई मान सम्मान देता नहीं है आजकल। कितने ऐसा गए गुजरे हैं जो कि कहते हैं कर्ण महान है,
पर पूरा महाभारत का आधार कौन है? कर्ण ही है। कर्ण नहीं होता तो दुर्योधन कभी युद्ध करने के लिए इच्छा नहीं करता है। तो मान सम्मान की इच्छा क्या किया आप सोचिए। ये मान सम्मान की इच्छा एक प्रकार की महाभारत निर्माण कर दिया, करोड़ों लोग को मार दिया। ये मान सम्मान की इच्छा है तो मान सम्मान मार देता है, ये अहंकार मार देता है। इसलिए दोष को हमें क्या करना चाहिए? मारना चाहिए।